सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में जहां आप आते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों इंसुलिन इंजेक्शन कई अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसके बारे में कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक ही वीडियो में पाँच से छह अलग अलग इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में जाना था उन्हीं में से एक इंसुलिन इंजेक्शन जिसका नाम है इंसुलिन ग्लेजिन इंजेक्शन इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे साथ ही उस डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन के वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है जिसमें हमने एक ही वीडियो में पाँच छः इंसुलिन के बारे में जाना था उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको इसकी पिक्चर मिल जाएगी वहाँ पर भी क्लिक करके उस वीडियो को आप देख पाएंगे इंसुलिन ग्लैरिजिन इंजेक्शन को हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं क्योंकि यह अपना असर 24 घंटे तक रखता है मतलब यदि व्यक्ति दिन में एक बार इस इंजेक्शन को लगाए तब भी उसका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहता है जो कि मरीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है इंसुलिन ग्लैरिजिन इंजेक्शन एक स्टेराइल तथा एसिडिक सोल्यूशन है जो बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद में न्यूट्रलाइज हो जाता है और बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है इसको कम कर देता है साथ ही इंसुलिन ग्लैरिजिन इंजेक्शन को रिकॉम्बोनेंट डी टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है अगर इस, इस इंजेक्शन के स्ट्रेंथ तथा पैकेजिंग की बात करें तो इस इंजेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो आई यू, इंटरनेशनल यूनिट में होती है जो कि है हंड्रेड आई प्रति एक एम ये इसकी स्ट्रेंथ रहेगी जो इसकी पैकेजिंग है वो अलग अलग है एक तो आता है इसकी कार्टेज पेनफिल पैकिंग जो पेन में ही लगाया जाता है दूसरा होता तो है वाइल जिसको सीरेंज की सहायता से इंजेक्ट किया जाता है जो पेनफिल है वो थ्री एम की पैकिंग होती है और वाइल है वो टेन एम की होती है और अगर यहाँ पे इसकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में बात करें तो इसको दो डिग्री से लगाकर आठ डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है जिसे हम ठंडा तापमान कहते हैं और स्टोरेज कंडीशन के बारे में एक सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है क्या सर इसको आठ डिग्री से ज़्यादा तापमान पर भी कभी रखा जा सकता है तो यदि कोई व्यक्ति है जो इसका रेगुलर यूज कर रहा है उसको स्टोर नहीं करना है तो वो आठ डिग्री से लगाकर पच्चीस डिग्री के बीच में भी इसको रख सकता है वहां पे ध्यान रखना है पच्चीस डिग्री से ज्यादा इसका टेम्परेचर नहीं हो और जब आप 25 डिग्री बिलो टेम्परेचर में इसको रखते हैं तो उस समय 28 दिन के भीतर भीतर इसका यूज लेके बंद कर देना होता है क्योंकि उसके बाद में अपना से बताना बंद कर देता है कुल मिला यदि आप कहीं टूर में जा रहे हो तो चार पाँच दिन के लिए बिलो ट्वेंटी डिग्री रख के इसका प्रयोग कर सकते हैं अब यहाँ इस इंजेक्शन की ब्रांड नेम को जान लेते हैं क्या नाम से हम इस इंजेक्शन को मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं तो इस इंजेक्शन की सबसे पॉपुलर ब्रांड जिसको आप सभी बली भांति परिचित हैं वह है लेंटस इंजेक्शन इसके अलावा को जो अन्य ब्रांड्स हैं जैसे कि ग्लेरिटस इंजेक्शन बेसालोग इंजेक्शन सेम ग्ली इंजेक्शन ये तीन से चार मैंने कुछ ब्रांड बताई जो पॉपुलर है और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको मिल जाए जो भी आपको आसानी से फिल्यू से आप खरीद सकते हैं अगर इसके प्राइस की बात करें कितने रुपए में मिल जाती है तो इसकी प्राइस ब्रांड टू ब्रांड अलग होती है इसकी एम आर अलग होती है लेकिन जो पैकेजिंग की प्राइस है उसको हम एवरेज प्राइस को जान लेते हैं जो तीन एम की कार्टीडियस पैकिंग है पेनफिल पैकिंग है यह आपको सात सौ से लेकर आठ सौ की एम मिल जाती है साथ ही दस एम की वाइल पैकिंग है यह दो से तीन की एम मिल जाती है हालांकि अदर इंसुलिन से थोड़ा महंगा इंजेक्शन लेकिन यह 24 फोर आवर तक असर रखता है और बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन है इसलिए इसकी रेट थोड़ी ज़्यादा रखी गई है अब वीडियो में आगे इस इंजेक्शन के यूजर्स को जान लेते हैं किन किन स्थितियों इस में इसका प्रयोग लिया जाता है तो जैसे आप सभी को पता है इंसुलिन का इंजेक्शन है तो इसका प्रयोग डायबिटिक पेशेंट जो मधुमेह के रोगी उनमें किया जाता है इस इंजेक्शन का प्रयोग टाइप वन डायबिटीज तथा टाइप टू डायबिटीज़ इन दोनों में ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है इस समय हमारे पेनक्रिया द्वारा इंसुलिन का सेक्रेशन या तो कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। तो उस समय इस इंजेक्शन प्रयोग लेते हैं साथ ही जो टाइप टू डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें कई डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली टेबलेट्स दी जाती है कई इंजेक्शन दिए जाते हैं उनसे भी जब असर नहीं करता तो ये इंसुलिन ग्लैरिजिन इंजेक्शन दिया जाता है अब हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है किस तरह से लगाया जाता है तो इस इंजेक्शन की जो रूट होती है वो होती है एस सी सब क्यूटेनियस सिर्फ इसी रूट से इसको लगाया जाएगा साथ ही इस इंजेक्शन को लगाने की जो साइट है वह एब्डोमिनल एरिया हो सकती है थाइस हो सकती है आर्म हो सकता है साथ ही ग्लूटियल मसल तथा डेल्ट मसल भी हो सकता है यह इंजेक्शन सभी उम्र के व्यक्तियों में लगाया जा सकता है साथ ही इसे सेल्फ इंजेक्ट के रूप में बनाए गए जो पेन है उसको खुद ही लगा सकते हैं डॉक्टर से लगाने की आवश्यकता नहीं है और अगर इसकी मात्रा की बात करें कितनी यूनिट लगानी होती है तो यह मात्रा मरीज से मरीज़ अलग अलग हो सकती है और कई बार एक ही मरीज़ में अलग अलग हो जाती है जैसे वो मरीज़ की जो डाइट है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट भी चेंज हो जाती है इसीलिए आप अपने डॉक्टर के बताए अनुसार इसका प्रयोग करें साथ ही जब आप इसका रेगुलर एक दो महीने के लिए प्रयोग करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है किस समय कितनी आपको यूनिट लगानी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रयोग लें इस इंजेक्शन को हमेशा खाने के पहले लगाना चाहिए क्योंकि खाने के बाद में हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको ये कंट्रोल कर सकें तो इस तरह से इसकी डोज होती है इसको लगाने का तरीका होता है अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं जो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी हाइपोग्लाइसीमिया शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बहुत ही कम हो जाएगा उसके अलावा पोटेशियम के शरीर में कमी हो सकती है कुछ हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो सकती है एलर्जी प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है और किसी किसी व्यक्ति में लंबे समय तक प्रयोग लेने पर वेट गेन की समस्या भी हो सकती है ये कुछ समस्याएं साइड इफेक्ट रूप में देखी गई है यदि ये समस्या आपको हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि प्रॉपर आपको डोज एडजस्ट करके दी जा सके या कोई दूसरा इंसुलिन इंजेक्शन आपको लिखा जा सके तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी इंसुलिन ग्लैरिजिन इंजेक्शन के बारे में जिसे आप लेंटस इंजेक्शन नाम से जानते हैं उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और साथ ही चैनल को अभी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें आप तो अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक केयर एंड बी फॉर मेडिसिन यूजेस